बेचेंगे, और पहले ही वो अपने 1.5 लाख में बेच चुके थे, उसके बाद MLC वाले में 50,000 में बेच दिए, 2 लाख में बेचकर, और थोड़ा बहुत 150 किसी किसी को खर्चा करते हुए, और अपना फेसबुक पर पंचायत में। और बघड़ा पंचायत की बात करें तो जो वर्तमान में यहाँ पे जो उप मुखिया हैं उनके एक प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, और मामला बताया जा रहा है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों पे कटाक्ष किया जा रहा है किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा। किसी जनप्रतिनिधि नहीं, यहाँ के जो वर्तमान में जो BDC हैं, पंचायत समिति जो सदस्य हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं शैलेश कुमार यादव, उन्हीं के माध्यम से जो भी वर्तमान में अभी जनप्रतिनिधि हैं बघड़ा पंचायत के, मुखिया हो, उप मुखिया हो, जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, यानी विधायक हो, यानी इन्हीं सब जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष किया गया है, उसी को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे अजीत यादव जी से कि ये क्या तर्क रखते हैं और क्या किस नज़र से इसको देखते हैं शैलेश कुमार यादव जी के बयान को। तो ये हम बात करते हैं उनसे। तो हाँ अजीत जी, इस जो शैलेश कुमार यादव का जो टिप्पणी हुआ है फेसबुक पे, जो आके उन्होंने जो पोस्ट किया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो लिखे हैं कि जाति धर्म बांटने का काम किया जा रहा है प्रतिनिधि द्वारा। ये बताइए कि शैलेश कुमार यादव भी यादव हैं, उप मुखिया भी यादव हैं, मुखिया भी यादव हैं, और जिला परिषद चेयरमैन भी यादव हैं, और विधायक भी यादव हैं। तो ये बताइए कौन, मतलब ये सब जो ठीक है, मतलब जनता को भरमा रहा है, और जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद तो शैलेश यादव कर रहे हैं, लोग को ऊंचा नीच देखा कर, जातिवाद देखा कर कि जातिवाद करते हैं लोग, वो भी तो यादव है क्या, वो दूसरा जात धर्म से आते हैं क्या? उनके पोस्ट में लिखा गया था कि कोई लोहसी और भटोलिया के बीच जोड़ने वाला कोई सड़क है जिसपे हमेशा जल जमाव लगा रहता है, उसी को लेकर उन्होंने पोस्ट किया था कि जो जनप्रतिनिधि हैं जनता को मूर्ख समझते हैं और जाति धर्म में बांट के चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद से समस्या को इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरे माध्यम से जल्द उस पर कार्य किया गया और लोगों के आने जाने में जो असुविधा हो रही थी उसको सुविधा हो रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, और जहाँ के बात भी था जिसके द्वार के आगे वो भी यादव है, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म से आते वो भी यादव है, लेकिन लोग को दिखाने के काम, नीच ऊंच दिखाने के काम किए हैं शैलेश यादव कि मतलब जाति धर्म के प्रतिनिधि जो बाघड़ा के हैं वो जाति धर्म के बांटने के काम करते हैं, लेकिन हमारे देखने से तो वही जातिवाद करा रहे हैं अपने फायदे के लिए और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और वो आप जानते हैं कि वो चपरासी का नौकरी करते हैं, वो तो ठीक से रात भर सोते नहीं हैं, वहाँ पर बढ़िया से ड्यूटी नहीं करते हैं, और बोलते हैं पंचायत में ऐसा वैसा बात है। चपरासी का नौकरी करते हैं जी, वो चपरासी का नौकरी करते हैं, उनका मम्मी है BDC है और उनका श्री पुत्र शैलेश यादव हैं, और वही बोलते हैं ऐसा ऐसा टिप्पणी करते हैं फेसबुक पर अपने अकाउंट पर आकर। तो उनके द्वारा जो समस्या दिखाई जा रही है लोसी और भटोइया के बीच का जो सड़क है, तो क्या आपके नज़र में उस रोड पर जल जमाव नहीं लगता है? नहीं, नहीं लगता है, कोई ऐसा अभी नहीं है उस पर जल जमाव लगता है, और लगता है तो हम लोग पूरा घूम घूम कर देख रहे हैं, और हम लोग जाति और धर्म के देखते हुए रोड नहीं बनाते हैं, और जो भी मतलब रोड है वो तो सारे जनता आता जाता है, ऐसा थोड़े कि अजीत जी जनता जो भी प्रतिनिधि को चुनती है अपने विकास के लिए चुनती है, समस्या के समाधान के लिए चुनती है, मानते हैं कि भटोलिया और लोसी को जोड़ने वाला जो सड़क है उस पर अगर जल जमाव लगता है तो ये सभी जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि उस समस्या को दूर किया जाए। उसमें शैलेश जी का भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है, मुखिया जी का भी फर्ज बनता है, और चेयरमैन और जिला परिषद है उनका भी फर्ज बनता है। अगर शैलेश जी इस कार्य को संपन्न कराए हैं या लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं तो इसमें उनका कुछ नहीं है, ये जनता का श्रेय जाता है, जनता उनको मौका दी है तभी वो जनता की समस्या को दूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरे प्रतिनिधियों को ऐसे कोसते हुए जो दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो दिखाई दे रहे हैं कि मतलब हम काम कर रहे हैं और जो प्रतिनिधि है वो जातिवाद कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, जातिवाद तो वो कर रहे हैं और लोग को ऊंच नीच दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं और वो लोग खराब है, ये सब उनका द्वारा गलत दिखाया जा रहा है, अपने रोटी सेकने के लिए वो काम कर रहे हैं। और बोलते थे कि BDC जो है अपने सीट जीतने के लिए बोलते थे पूरा पंचायत में घूम घूम कर कि पहले जो वर्तमान में थे वो BDC वो तो अपना बेच दिया था, मतलब सर्टिफिकेट बेच दिए थे, हम जीतेंगे तो हम नहीं बेचेंगे, और पहले ही वो अपने 1.5 लाख में बेच चुके थे, उसके बाद MLC वाले में 50,000 में बेच दिए, 2 लाख में बेचकर, और थोड़ा बहुत
150 किसी किसी को खर्चा करते हुए और अपना फेसबुक पर यानी जनता के बीच में जो जाके वादा किए थे कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने का काम किए हैं वो। जी, जनता से उन्होंने साफ बोला था कि चुनाव जीतेंगे तो अपना सर्टिफिकेट नहीं बेचेंगे, लेकिन जनता के विश्वास के साथ धोखा किए हैं, जनता को धोखा देने का काम किए हैं। तो क्या लग रहा है अगली बार जब चुनाव होगा तो जनता इस बात को याद रखेगी और इसका हिसाब लेगी? एकदम रखेगी, और हम लोग दिखाने का काम करेंगे, हम लोग बताने का काम करेंगे, घूम घूम कर एक एक व्यक्ति से मिलकर एक एक व्यक्ति से सब कुछ बताएंगे कि वो ऐसे ऐसे बोलते थे अब ऐसे कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाकर ये उनके पोस्ट में लिखा गया कि जनता को मूर्ख समझते हैं कुछ लोग, तो क्या माना जाए इसमें? शैलेश कुमार यादव भी तो जनता को शायद मूर्ख ही समझते हैं, तभी तो वादा करके अपना सर्टिफिकेट भी बेच दिए। जी जी, वो समझ रहे हैं कि पहले का जनता है, जनता इतना बुर्बक नहीं है, और सब बुर्बक है तो और आधा बुर्बक लोग नहीं है, सब कोई पढ़ा लिखा है, वो भी पढ़ा लिखा है और ऐसा ऐसा टिप्पणी भी करते हैं और बोलते हैं, बात बोलते हैं ऐसे कि बोल ऐसा विधायक और एमपी भी भाषण नहीं देता है, खाली उसके लिए बातें भर और कुछ नहीं हो, जितना दिखावा मुँह से अंदर से कुछ भी नहीं हो। अजीत जी, आप लोगों से क्या अपील कीजिएगा ऐसे लोगों के प्रति जो समाज में जहर डालने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, वैसे लोगों के प्रति लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा? जी, इन लोगों से हम अपील करेंगे, इन लोगों से आप लोग दूर रहिए, जातिवाद कराने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे धर्म को बांटने का काम करते हैं। हमारे तरह से अपील है कि आप लोग इन सब लोगों से, ऐसा ऐसा व्यक्तियों से आप लोग दूर रहें और दूरी बनाए रखें अपना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका।